भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। न्यूज एजेंसी ANI ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के हवाले से ये जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कृष्ण गोपाल रामलाल के साथ आलोक कुमार ने आडवाणी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद बताया गया कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। आलोक कुमार ने कहा कि अयोध्या में लालकृष्ण आडवाणी के लिए सभी जरूरी मेडिकल सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था और उनसे समारोह में नहीं आने का आग्रह किया था। हालांकि इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने दोनों नेताओं को निमंत्रण भेजा था। अब खबर है कि आडवाणी समारोह में पहुंचने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आलोक कुमार के अनुसार समारोह में हजारों संतों को आमंत्रित किया गया है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी ने बयान जारी करके कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी के कार्यक्रम का न्योता मिला था। भगवान राम को देश में लाखों लोग पूछते हैं, धर्म एक निजी मामला है, लेकिन RSS और BJP ने अयोध्या के राम मंदिर को एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनावी फायदों के लिए किया जा रहा है। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार ये समारोह 16 जनवरी से शुरू होगा और अगले 7 दिनों तक चलेगा। 22 जनवरी की दोपहर को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान किया जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। आपके तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी रवि सुमन। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ली लल्लन टॉप। शुक्रिया।